कार चले मेरी पास चलती रस्लो मेरे यार सारे गाड़ी पर ओजी शब ब्रो ओजी शब कोस मोदी सब कोस गाड़ी चले मेरी चलो बंदो आई बी फक राइडर जिन बन रिव्यू प्रोवाइडर को ब्लॉक करे मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइब गाड़ी चले मेरी फ्लो में स्लो सी नाम मुसाफिर का जोशी ये इक्के की ट्रेल मैंने शो की। सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो कल आप लोगों ने जो है मेरी व्लॉग वाली वीडियो देखी थी। सो भीमताल से जो है हम लोग फुल एंजॉयमेंट करके जो है रात को वापसी आ गए थे। रात का इवन मतलब 2-3 बज गए थे क्योंकि पहाड़ उतरते वक्त बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और अब ये मेरा दरवाज़ा भी खुला हुआ है, ठीक है ये बंद हो गया। सो आज का जो ये व्लॉग है ये भाई आप लोगों के लिए बहुत सुपर इन्फॉर्मेटिव है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भैया नेक्स्ट क्या चीज़ के ऊपर आप लोग काम करने वाले। तो लॉकडाउन जो है वो थोड़ा सा अब अच्छी तरीके से जो है खुल गया है, तो फाइनली जो है मैं अपने इस गाड़ी का रैप जो हूँ वो हटाने वाला हूँ और इसको जो है हम लोग फिर से रीपेंट करने वाले हैं। रीपेंट जो है मैं ओरिजिनल पेंट में ही करवा रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर ही कुछ हम लोग जो है ऑल्ट्रेशन कर देंगे। कहाँ पर जा रहा हूँ, रैपोलिक वाले के पास, भाई के पास जा रहा हूँ अपने, और वहीं पर जो है इसका रीपेंट का प्रोसेस चलेगा। भाई ने बोला कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। अभी जिस चीज़ के लिए मैं डाइसी हूँ वो है मेरी छत, कि मैं छत को रीपेंट कराऊँ कि नहीं कराऊँ, क्योंकि उसमें ब्लैक रंग की ऑलरेडी फिल्म चढ़ी है, बाकी उसमें जो है पूरा रैप चढ़ा हुआ। रैप केवल एक जगह से डैमेज होता है, आपको लोगों को याद होगा। और इसी के साथ में जो इसकी मैंने डेंटिंग वेंटिंग करवाई थी उसमें मैंने पुट्टी भरवाई थी, तो इस बारी जो है उसकी डेंटिंग वेंटिंग भी बिल्कुल प्रॉपरली मैंने करवानी है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से हो। सीधे रैपोलिक पहुँचते और फिर आप लोगों से और बातचीत करेंगे। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं रैपोलिक में, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप लोगों के दो रास्ते हैं वैसे आने के, एक आप आ सकते हो उधर से फ्रंट से आपको रास्ता ऑप्शन है, और यहाँ से जो है आप लोग गाड़ी डाल सकते हो। और भाई के पास ऑलरेडी मेरे को दिख रही है ये खड़ी है पोलो, और वो खड़ी है ऑडी खड़ी है। और ये भाई अभी सोच रहे हैं कैसे गाड़ी को जो है अंदर लगा लेंगे, ठीक है। तो मैं भाई को ही बोलूँगा लगा दो भाई, ठीक है। तो गाइस गाड़ी को अंदर लेके जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर राहुल है जो कि रैपोलिक को ओन करता है, और रैपोलिक्स में जो है अभी ऑलरेडी काम चल रहा था, हमारे लिए थोड़ी जगह बनाई है भाई ने। तो हम लोग जो आपको अल्टीमेट चीज़ दिखाने वाले हैं वो है रैंप रिमूवल। तो अंदर ले आओ भाई, और रैंप रिमूवल जो है वो आप लोगों को बहुत कम लोग दिखाते हैं, सब लोग आपको लगाते हुए दिखाते हैं, हटाते हुए कोई नहीं दिखाता। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो ये हमारी प्रोजेक्ट कार थी जिसको आप लोगों ने बहुत अंधा प्यार दिया, आप लोगों ने बहुत जो है हम लोगों को बताया कि क्या क्या चीज़ें हम करा सकते हैं। इसके अलॉय से लोगों ने काफ़ी कॉपी किया, किया कि नहीं किया भाई? बिल्कुल किया भाई, मैं भी सोच रहा था। ठीक है, तो राहुल भाई जो पेंट है, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं तो भाई जो इसका बेरी कलर बोलते हैं, बेरी रेड से बहुत खुश हूँ इसके। बस मैं उसमें कुछ चाहता हूँ कि कुछ शिमर इमर डाल दो जो लड़कियाँ लगाती है सांपों में, तो वैसा कुछ शिमर वाला मेरे को करेंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे। और इवन रैपोलिक्स में आप लोगों को जो स्कूटियाँ देखने को मिलेगी ये भी आप लोगों को रैप मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हर चीज़ जो है ये बड़े शौकीन तरीके से करते हैं। तो इसका जो है रैप रिमूव करेंगे कैसे किया जाएगा, राहुल भाई एक बार प्रोसेस बताओ। अभी भैया पहले हम इसके सारे पैनल्स को थोड़ा थोड़ा खोलेंगे, जैसे डोर पैनल के डोर हैंडल उतरेंगे, क्योंकि अगर वो उतरेंगे तो रैप अंदर टकिन हुआ होगा, ठीक है। तो वैसे भी वो पेंट के लिए भी उतरनी है क्योंकि सारी बॉडी जो है डिसमेंटल करी जाएगी। अच्छा एक चीज़ मेरे को बताना, मैंने ऑलरेडी जो है इसके साइड मिरर जो है पेंट करा रखे हैं, डोर हैंडल पेंट करा रखे, क्या इनको रीडू करने की जरूरत है? रीडू करने की जरूरत इसलिए अगर ग्लॉस और इनफेस करने, क्योंकि अब टाइम के साथ फेड हो चुका है, तो इसको हम लोग कर देंगे बिल्कुल। और छत के बारे में अगर बात करूँ, छत में जैसे मैंने आपको बताया था एक दो डेंट है, अगर आप यहाँ से देख भी पाओगे तो ये डेंट है, तो क्या किया जाए इसको, ब्लैक ही छोड़ दूं, क्या करूं? देखिए अगर आपने रैप करी हुई है, हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा वो या तो फिर से रीरैप करने का या फिर पेंट करने का, बट पेंट अगर भी तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो मेरी ओर से रैप ही छोड़ दें, रैप छोड़ सकते हैं क्योंकि ब्लैक लुक हमने काफ़ी जगह दिया हुआ है, बिल्कुल। तो भाई राहुल भाई की तरफ से ये चीज़ आ चुकी है, और यहाँ पर रैप का जो है रिमूवल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसके लिए क्या, एक बार आप देख लो, रैप की क्वालिटी बहुत हाई क्वालिटी हमने इसमें करवा रखी है, ठीक है। राहुल भाई जो है वो, राहुल भाई ने इसको रैप नहीं किया था, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लो रैप जो है वो हमारा उतारा जा रहा है इसके ऊपर से। तो रैप की क्वालिटी कैसे पता चलती है, मतलब कि वो अच्छा है बुरा है कैसे पता चलता है? वो पोर्स की वजह से पता चल जाता है, और जो इजीली रिमूवेबल हो रहा है, विनाइल होता है, विनाइल का भी इजीली ऐसे रिमूव। तो अच्छा रैप लगवाया हमने, अच्छा रैप है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, देख लो भाई, भाई ने जेन्युइन फीडबैक आपको दिया है। और हमारे साथ हमारे भाई, एक बार नाम बताइए। पुनीत भैया हमारे साथ है, हमारे एक और भाई, एक बार नाम बताओ भाई। जीशान भाई, जीशान भाई बहुत मेहनती है, बिल्कुल शांति से बढ़िया तरीके से काम करते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने भाई लोगों को ये बोला कि गाड़ी में कुछ अलग चीज़, अब देखो भाई यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को मैं ज़िंदगी और रियलिटी वाला जो है थोड़ा, आओ वंशी रहो, वंशन नया फ़ोन लिया S20+, तो उससे वीडियो लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मिनट ये देखो आप लोग, ये आपका रैप और था, और ये ऐसा था। बहुत सारे लोगों ने बोला कि भैया रैप छोड़ दो, क्यों करवा रहे, लेकिन एंड ऑफ द डे चीज़ कराना बहुत ज़्यादा मिले ज़रूरी था, तो करवा ले, ठीक है ना। तो मैं बोर भी हो जाता हूँ चीज़ों से ना, थोड़ा लाइफ में चेंज होते रहना चाहिए। सो लेट्स डू इट। तो गाइस यहाँ पर हमारे भाई जो है पूरी मेहनत में लगे हुए हैं। तो भाई देखो मैं आप लोगों को पूरी गाड़ी का जो है पूरा रैप हटा हुआ अगली वीडियो में ही दिखाऊंगा, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली कल ही आएगी,
अगर हम लोगों ने इसको हटा दिया अच्छे तरीके से, क्योंकि आज भाई के पास थोड़ा सा काम जो है वो ज़्यादा था, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टिल हम लोग अपना कोशिश कर रहे हैं पीछे का जो है पार्ट हटने वाला। ठीक है, साइड का देखो ये थोड़ा थोड़ा ये हटा दिया है। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या है, ये साइड वाली बिल्डिंग खुलेगी, फिर ये सारा हटेगा और फिर परफेक्ट तरीके से जो है काम होगा। ठीक है, तो लेट्स सी कितना क्या मैं आपको जो है दिखा पाऊंगा, लेकिन वो लगता नहीं मैं पूरा चीज़ तो दिखा पाऊंगा, लेकिन आप लोग देख लो रैप जो है वो हट गया है। सबसे अच्छी बात क्या, कोई भी तरीके का गम जो है इसके ऊपर नहीं चिपका हुआ है, सब कुछ अच्छा आसान तरीके से कर रहे हैं और हमने जो है रैप अच्छा ही करवाया था भाई। गाइस अभी जो है वो पूरा रैप जो है उतारा जा रहा है और वो थोड़ा सा अभी ज़्यादा मेहनत वाला काम था, तो मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा रैप उखड़ते हुए दिखाऊंगा, मज़ा नहीं आएगा। मैंने आपको डिफरेंस दिखा दिया कलर का, और हम लोग जो है वो स्टॉक कलर ही पेंट कराएंगे, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चमकाहट जो है वो दिखा देंगे। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरी गाड़ी इतनी अच्छी लगती थी रात में सब ऐसे देख के, मतलब रुक रुक के देखते थे। तो हम उसमें पेंट भी ऐसा कराएंगे कि लोग रुक रुक के देखेंगे, बस पुलिस वाले ने देखने चाहिए ना। कोई बात नहीं, हम लीगली चीज़ करा रहे हैं, और रैप में थोड़ा सा डर तो लगा रहता ही है कि भैया कोई पकड़ ना ले, कोई कुछ कहे ना। ऑल दो आपका कलर ऑलमोस्ट सेम भी होगा तब भी चलेगा, लेकिन ठीक है भाई, सेफ्टी के लिए ठीक है। वंश बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और बाकी अब आप लोगों से कल वाले व्लॉग में मिलते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा कंटेंट जो है वो आप लोगों के लिए बना पाएंगे, आपको दिखा पाएंगे। और ये जो पेंटिंग का पूरा प्रोसेस है, इसमें मैं कोशिश करूँगा आपको एक एक चीज़ के बारे में नॉलेज दे सकूँ। और जैसा मैंने आपको बताया, छत जो है वो हम ब्लैक ही छोड़ रहे हैं, बाकी चीज़ों को जो हमने चेंज कराना है। और साइड मिरर्स जो हो गए, जो डोर हैंडल हो गए, भाई ने बोला फिर से पेंट होंगे, और एक मेरा टाटा का लोगो है वो भी मैंने लाना है। सो होप फॉर दी बेस्ट, सब कुछ बेस्ट अच्छा और बढ़िया तरीके से होगा। बाकी अगर इस पॉइंट तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक शेयर कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम मुसाफिर @11, फेसबुक मुसाफिर स्कॉट। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो टिल देन कीप वॉचिंग एंड